नमस्कार, सिटी आई पर आपका स्वागत है। मैं हूं राखी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। देशभर में रामनवमी का पर्व मनाया धूमधाम से, राजधानी जयपुर में निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। कांग्रेस और भाजपा में वार पलटवार का सिलसिला जारी, दोनों पार्टियां साध रही एक दूसरे पर निशाना। और नहीं थम रहा शराबबंदी को लेकर विरोध, कहीं सड़क जाम तो कहीं बाजार हुए बंद। और अब खबरें विस्तार से। श्री राम जन्मोत्सव मंगलवार को शहर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं शहर के मुख्य मार्गों से भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें अनेक स्वचालित सजीव झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के अवसर पर चांदपोल दरवाजा स्थित श्री रामचंद्र जी के मंदिर में सुबह से ही अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान का पंचामृत अभिषेक किया गया और आकर्षक श्रृंगार किया गया। मंदिर महंत भवानी शंकर ने बताया कि श्री राम जन्मोत्सव का पर्व हर वर्ष की भांति इस बार भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं सुबह से ही भगवान राम के दर्शनों के लिए भक्तों का उमड़ना शुरू हो गया, जो देर रात तक लगा रहा। वहीं दोपहर में भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें भगवान का अभिषेक किया गया और नए वस्त्र धारण करवाकर आरती की गई। इसी प्रकार मंदिर श्री सीताराम जी खंदा कोतवाली छोटी चौपड़ पर जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर में रामलला का मंत्रोच्चार के बीच सवा मन दूध से महंत बजरंगदास महाराज के सानिध्य में अभिषेक किया जाएगा। इसके बाद रामलला को नवीन पोशाक धारण करवाकर मनोहारी झांकी सजाई जाएगी। मंदिर में रामलला के जन्मोत्सव पर बधाई गान और भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। आयोजन के तहत मंदिर को पुष्पों से सजाकर आकर्षक रूप प्रदान किया गया है। इसी प्रकार श्री रामकृष्ण जयंती महोत्सव समिति ट्रस्ट की ओर से रामनवमी की शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। इस अवसर पर चैत्र नवरात्रा की नवमी तिथि पर प्रभु राम छोटी काशी के भ्रमण पर निकले। शोभा यात्रा विधिवत पूजा अर्चना के बाद सूरज पोल अनाज मंडी से रवाना हुई। शोभा यात्रा में अनेक स्वचालित सजीव चित्र झांकियों से प्रभु श्री राम का जीवन दर्शन साकार हो उठा। इस बार 40वीं शोभा यात्रा सूरज पोल अनाज मंडी से रवाना होकर सूरज पोल बाजार, रामगंज चौपड़, बड़ी चौपड़, सांगानेरी गेट, बापू बाजार, गोलेचा सिनेमा, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़ होते हुए चांदपोल बाजार स्थित मंदिर श्री रामचंद्र जी पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। रामगंज में सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक इस आयोजन में मुस्लिम समाज के लोगों ने भी शोभा यात्रा में आरती पूजन किया। इस दौरान मुस्लिम समाज की ओर से पुष्प वर्षा भी की गई। जगह जगह संत महंत, जनप्रतिनिधि, समिति व समाजों के प्रतिनिधियों ने पुष्प वर्षा कर आरती के साथ शोभा यात्रा का स्वागत किया। Thank you.
जाता है रामचंद्र जी के मंदिर में, और सब जगह ही सारे हिंदुस्तान में मनाया जाता है, क्योंकि राम जी का जन्म इसी समय हुआ, चैत्र सुदी सप्तमी और ये मंगलवार। ये एक निश्चित है कि जो हम यहाँ भगवान की मन सालगिरह मनाते हैं एक तरह से, तो 31 तारीख से हमारा प्रोग्राम मंदिर में चल रहा है। 31 को हम संवत्सर पूजा करते हैं भगवान के पंचांग की ओर की। ये पूजा होने के पश्चात फिर दूसरे दिन आपके सिंजारा होता है, गणगौर का किशोरी जी सिंजारा पहनती है, गणगौर का पूजा होता है 2 तारीख को। पूजा होके किशोरी जी पूजा करती है, उत्सव मंगलमय चलता रहता है, सब भक्त समाज आके उत्सव करते रहते हैं, और फिर आगे के प्रोग्राम जो है वो अलग अलग मंडल के होते हैं। सीताराम जी समाज छोटी चौपड़ वालों का भी प्रोग्राम होता है, फिर उसके पास आपके प्रेम भया मंडल का भी प्रोग्राम होता है, उसके पश्चात फिर गौरंग महाप्रभु जी का होता है, फिर उसके पश्चात सरस कुंज अजमेली शरण जी महाराज के प्रोग्राम होते हैं। इसते हो के आज ये नवमी का दिन है, इस नवमी के पर्व में हम अभिषेक करते हैं भगवान का, और उसके पश्चात श्रृंगार होता है, 3 बजे श्रृंगार की आरती होती है, और शाम को फिर आपके शोभा यात्रा इस मंदिर में आके विसर्जन होती है। उस समय हम सारे सरकारों का आरती और अभ्यर्थ करके सरकार के आगे निवेदन करते हैं, और फिर मंगल में उत्सव चलता है, ये रात को 11-12 बजे तक चलता रहता है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एवं अन्य भाजपा नेताओं द्वारा कांग्रेस के पूर्ववर्ती शासन पर 4 साल तक कोई काम नहीं करने के आरोप लगाने पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए इन आरोपों को नकारते हुए भाजपा की कड़े शब्दों में निंदा की है। प्रदेश प्रवक्ता अर्चना शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भाजपा के पीएम इन वेटिंग 2 तथा अन्य भाजपा नेता बिना तथ्यों के प्रदेश की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निराधार आरोप लगा रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि कांग्रेस ने शासन के दौरान निरंतर जनता से संवाद रखा व जन कल्याण की योजनाओं को समयबद्ध तरीके से बनाकर सुचारू रूप से लागू किया, जिससे समाज के हर तबके को इनका लाभ मिला है। इतना ही नहीं, इन योजनाओं को विश्व पटल पर भी संवारा गया है, और इन योजनाओं से प्रेरणा लेकर देश के अन्य राज्यों और अन्य देश भी उन्हें हूबहू लागू करने के लिए तत्पर हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि भाजपा इन महत्वाकांक्षी योजनाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाकर जनता का अप्रत्यक्ष रूप से अपमान कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता विशेषकर श्रीमती राजे, इनके पीएम इन वेटिंग 2 और अन्य वरिष्ठ नेता जो चुनावी सभाओं में जिस प्रकार के आरोप कांग्रेस की पूर्ववर्ती शासन पर लगा रहे हैं कि ये शासन पूरी तरह कर्मण्य था, 4 साल तक इन्होंने कोई काम नहीं किया, वो बिल्कुल निराधार है। ये वो पार्टी जो स्वयं 4 साल तक उपस्थित नहीं थी जनता के बीच में विपक्ष के रूप में, और आज ये हम पर आरोप लगा रही है। तो ये पूरा राजस्थान जानता है कि एक जनादेश प्राप्त जो सरकार होती है उसको जनता के लिए समर्पित योजनाएं बनानी होती है, उनको बनाने के लिए समयबद्ध तरीके से उनको कंसीव करना, उनको इम्प्लीमेंट करना और इस प्रकार से लागू करना कि जनता उससे लाभान्वित हो। वो काम कांग्रेस के शासन ने किया, जिसमें 3-4 योजनाएं तो ऐसी हैं जिन्हें विश्व के पटल पर सराहा गया। मुफ्त दवा योजना, मुफ्त जांच योजना, पशुओं के लिए निःशुल्क दवा योजना और पेंशन महाअभियान जो हमने चलाया, इसे दूसरे राज्य तो रेप्लिकेट करना ही चाहते हैं। विश्व के पटल पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और अन्य राज्य जो है उनके लोग भी आए रिप्रेजेंटेटिव्स और इसको देख करके गए और लागू करने का प्रयास करें। तो बहुत ही निंदनीय है कि भारतीय जनता पार्टी वोट प्राप्त करने के लिए उन चीज़ों को या उन योजनाओं को भी दरकिनार कर रही है या उनका भी ऐसा भ्रम फैला रही है कि शासन ने कोई काम ही नहीं किया। कांग्रेस की प्रवक्ता अर्चना शर्मा ने ये भी कहा कि भाजपा द्वारा दौसा से जिन पुलिस अधिकारी को प्रत्याशी बनाया गया है वे भाजपा की वेबसाइट पर अपनी वर्दी वाली फोटो में दिखाई देते हैं, जो आचार संहिता का उल्लंघन है, क्योंकि वे अपनी इस तस्वीर के द्वारा कुछ विशेष लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं। उनका कहना है कि चुनाव आयोग के सामने ये एक बड़ा प्रश्न चुनौती के रूप में सामने है कि वे इस विज्ञापन को संज्ञान में लेकर इस पर रोक क्यों नहीं लगा रहा है। उन्होंने कहा कि उक्त प्रकरणों की शिकायत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी से की गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुख्य चुनाव आयुक्त और जिले के जो राज्य के जो निर्वाचन अधिकारी हैं
उनको एक शिकायत पत्र भेजा है जिसमें हमने मांग की है कि पूर्व पुलिस अधिकारी श्री हरीश चंद मीना जो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं दौसा से, उनका चित्र भाजपा की वेबसाइट पर पुलिस की वर्दी में दिखाया जा रहा है। इसका तात्पर्य ये है कि वो किसी विशेष वर्ग से वोटों से लाभ लेना चाहते हैं, इसलिए उस चित्र को वहाँ दर्शाया जा रहा है। और इसी क्रम में आपने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पीएम इन वेटिंग टू के लिए जो विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं उसमें बच्चों के द्वारा प्रदर्शन और वोट मांगने की अपील की जा रही है, जो भी आचार संहिता के खुले उल्लंघन की श्रेणी में आता है। हमारी समझ से परे है कि ऐसे विज्ञापन का प्रसारण होने के बाद भी चुनाव आयोग स्वयं इसको संज्ञान में लेकर के क्यों इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा, तो हमने इन दोनों बातों की शिकायत की और मांग की कि तुरंत इस पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए। शहर में शराबबंदी की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आबकारी विभाग और राजस्थान को आबकारी नीतियों में बदलाव की मांग को लेकर शहर में विभिन्न जगहों पर प्रदर्शन जारी है। एक तरफ पूर्व विधायक गुरुशरण छाबड़ा जहां राजस्थान को पूरी तरह शराब मुक्त किए जाने को लेकर अनशन कर रहे हैं, वहीं जयपुर में अलग अलग स्थानों पर शहरवासी भी धरना देकर प्रदर्शन कर शराब की दुकानों का स्थानांतरण तथा शराब की दुकानों को बंद करवाने में लगे हैं। इसी सिलसिले में इमलीवाला फाटक में मंगलवार को स्थानीय लोगों ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं शहर के घाटगेट स्थित संजय बाजार में व्यापार मंडल द्वारा शराबबंदी को लेकर बाजार बंद रखा गया। 1 अप्रैल से नई आबकारी नीतियों के चलते शहर में करीब 400 नई शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। इन नई और पुरानी दुकानों से परेशान लोग भी 1 अप्रैल से ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मतदान दलों द्वारा तैयार की गई ईवीएम मशीनों का 8 और 9 अप्रैल को प्रशासन द्वारा मॉक पोल पर जायजा लिया जा रहा है। शहर में भवानी निकेतन, जामिया यूनिवर्सिटी और चित्रकूट स्टेडियम में मतदान दलों द्वारा ईवीएम मशीनों को तैयार किया जा रहा है। इन सभी तैयार हुई मशीनों में से 5% मशीनों में मॉक पोल करके प्रशासन इनकी गुणवत्ता परख रहे हैं और इन्हें सील करवा कर लोकसभा चुनावों के लिए मतदान केंद्रों पर पहुँचाया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी कृष्ण कुलाल ने बताया कि स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री HDFC ज्योतिबा फूले संस्थान सहित अन्य संस्थाओं के सौजन्य से आयोजित किए जा रहे रेनबो सप्ताह का आगाज बुधवार से होगा। ये सप्ताह 9 से 15 अप्रैल तक मनाया जाएगा। 9 अप्रैल को जयपुर शहर के विभिन्न मार्गों में मोटरसाइकिल रैली चलो चले वोट डाले निकालकर मतदाताओं को मतदान करने का संदेश दिया जाएगा। ये रैली प्रातः 10 बजे ट्रांसपोर्ट नगर स्थित गंगानगर मोटर्स से प्रारंभ होगी। रैली गोविंद मार्ग, राजा पार्क, मोती डूंगरी रोड, सांगानेरी गेट, MI रोड, कलेक्ट्रेट झोटवाड़ा, वैशाली नगर, सोडाला, 22 गोदाम होते हुए स्टैचू सर्किल तक निकाली जाएगी। इसका समापन शाम को 6 बजे स्टैचू सर्किल पर होगा। रेनबो के सतरंगी आयोजन में पहले दिन मोटरसाइकिल रैली की थीम वायलेट रंग पर आधारित है जिसका संदेश मोटिवेशन है। उन्होंने बताया कि सप्ताह के द्वितीय दिन 10 अप्रैल को रंगोली लोकतंत्र की कार्यक्रम होगा जिसके तहत साय 6 बजे अल्बर्ट हॉल एवावा महल के सामने आकर्षक रंगोली सजाई
जाएगी। तीसरे दिन 11 अप्रैल को 4:30 बजे रामलीला मैदान से चौगानी स्टेडियम तक महिलाएं बढ़ेंगी, वोट करेंगी, महिला रैली निकाली जाएगी। रेनबो सप्ताह के चौथे दिन 12 अप्रैल को शनिवार को विधानसभा एवं हवा महल के सामने 6:30 बजे उजियारा लोकतंत्र का कार्यक्रम के तहत कैंडल प्रज्वलित की जाएगी। पांचवें दिन 13 अप्रैल को प्रातः 6:45 पर जवाहर सर्किल से कॉमर्स कॉलेज तक वोट मैराथन रन फॉर डेमोक्रेसी आयोजित की जाएगी। छठे दिन 14 अप्रैल सोमवार को हम और डेमोक्रेसी बनाई जाएगी। सप्ताह के अंतिम दिन 15 अप्रैल को मतदान संकल्प समारोह कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी कार्यालयों में संकल्प समारोह आयोजित किया जाएगा। प्रदेश में दहेज प्रथा जैसी कुरूतियों को तोड़ने को लेकर हर समाज आगे बढ़ रहा है और समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन में युवक युवतियों की शादी करवाने पर जोर दे रहा है। श्री धोबी बसीठा समाज संस्था की ओर से नवा आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन मंगलवार को रामनवमी के दिन पौंडरिक उद्यान गोविंद देव जी मंदिर के पीछे सम्पन्न हुआ, जिसमें 62 युवक युवतियां परिणय सूत्र में बंधे। संस्था के अध्यक्ष शिवलाल हल्दूनिया और विधि सलाहकार राजेंद्र पवार ने बताया कि संस्था की और से ये नवा सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें राजस्थान सहित कई अन्य राज्यों के युवक युवतियों का सामूहिक विवाह करवाया गया, जिसमें समाज में दहेज रूपी कुरीतियों को तोड़ते हुए समाज के लोग आगे आए हैं और इस सम्मेलन का आयोजन किया है। नवे सम्मेलन में 62 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। इस अवसर पर वधुओं को रोजमर्रा में काम आने वाली चीजें जैसे पलंग, अलमारी, पंखे, बर्तन सहित अन्य वस्तुएं दी गई और आगे आने वाली जिंदगी हंसी और खुशी से कटे इसके लिए आशीर्वाद भी दिया गया। सामूहिक विवाह सम्मेलन में हजारों की संख्या में युवक युवतियों के संबंधियों ने भाग लिया और वर वधु को आशीर्वाद दिया। वजीरा समाज संस्था का नवा आदर सामूहिक विवाह है और इसमें 62 जोड़ों का विवाह किया जा रहा है और सब करीब 15,000 से 20,000 की यहाँ समाज के लोग पधारे हुए हैं और यहाँ 3 बजे इनका स्वागत होगा। अभी फिलहाल आप ये देख रहे हैं, सुबह करीब हमारी 11 बजे निकासी हुई और यहाँ से पौंडरिक उद्यान ताल कटोरे के पैसे से हमारी निकासी हुई। कौन का हमारा प्रोग्राम रहा, अभी फेरों का चल रहा है, उसके बाद में आशीर्वाद समारोह का होगा इनका और जब उनको सबको कन्याओं को आज राजी खुशी विदा करेंगे। बीकानेर से भी है और एक नागौर से भी है, वो राजस्थान में ही है लेकिन राजस्थान से बाहर एक गुजरात का है, वो बहुत ही अच्छा है और जो यूपी का भी है और यहाँ जो जोड़े हैं मेरे ख्याल से बहुत ही क्या संदेश देना था? मैं इनको भविष्य के लिए खुशहाल जिंदगी जीने के लिए और अपनी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमने वर और वधु से 26,551 एक से लिया है और जो हम इस विवाह में सामान जो दे रहे हैं वो करीब 50,000 का पड़ रहा है। श्री धोबी बसीठा समाज संस्था के द्वारा ये नवा आदर्श सामूहिक विवाह हम आयोजित कर रहे हैं। यहाँ टोटल हमारे पास 75 आवेदन आए थे जिनमें से 62 जोड़े हमने स्वीकृत करके और मापदंडों के आधार पर हमने पंजीकृत किए हैं जिनका हम यहाँ सामूहिक लगन करवा रहे हैं। हमारे पास जो जोड़े हैं वो पूरे राजस्थान से ही नहीं पूरे भारत में भी कुछ जगह से हमारे पास आए हैं और कम खर्चे में एक अच्छी शादी का एक प्रावधान हमने करके हमारे समाज को उठाने के लिए कार्य किया है। तो आपने देखा हमारा समाज कितना दबा कुचला है, आज तक हमारा ना तो कोई सांसद है, ना कोई मंत्री है, ना कोई MLA है, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से भी हम कमजोर हैं और हम यही प्रयास कर रहे हैं कि हमारे समाज का स्तर उठे और हम आवश्यक समाज सामान जो भी है वो मुहैया करवा रहे हैं। लक्की ड्रॉ का भी एक हमने प्रावधान रखा है जिनमें 62 जोड़ों में से किसी एक भाग्यशाली जोड़े को फ्रिज, माइक्रो ओवन, DVD प्लेयर, डेजर्ट कूलर और मोबाइल सेट भी हम लक्की ड्रॉ द्वारा दिए जाएंगे, क्योंकि इतना हमारे पास बजट नहीं कि सब जोड़ों को हम ये दे सके। पर आने वाले टाइम पे जिस तरह की जागरूकता आ रही है कि आज हमें लक्की ड्रॉ देने के लिए मानुभाव आ रहे हैं तो शायद आने वाले भविष्य में हम ये सब चीज़ें भी दे पाए और दहेज प्रथा को भी एक तरह से कम करने का हम कर रहे हैं और जो सब लोगों को समान रूप से दिया जा रहा है वही सामान हम दे रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे समाज के उन लोगों को भी जिन्होंने खाने की व्यवस्था के लिए भी हमें भरपूर सहयोग दिया है और मैं एक राज्य सरकार हमें किसी प्रकार का कोई भी हमें प्रावधान नहीं दे रही है, कोई सहायता हमें नहीं मिल रही है और हमेशा हम उससे अपेक्षित रहे हैं, उसकी भी एक हमारे लिए कमी हमारे बीच उभरी है और एक युवा वर्ग का जोश हमारा ठंडा होता जाता है। जवाहर कला केंद्र का मंगलवार को 21वां स्थापना दिवस मनाया गया। सन 1993 में इस केंद्र का उद्घाटन किया गया था। इस मौके पर केंद्र में 8 और 9 अप्रैल को स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है।
शाम 5 बजे से जवाहर कला केंद्र के सुदर्शन और सुरेख कला दीर्घा में प्रदर्शनी के साथ समारोह का उद्घाटन किया। शाम 7 बजे ओपन एयर थिएटर में लोक गायन, कथक नृत्य के अलावा कावा ब्रास बैंड के कलाकारों ने प्रस्तुति दी। 9 अप्रैल को रंगायन में हास्य नाटक वल्लभपुर के रूप कथा के मंचन किया जाएगा। समारोह का उद्घाटन जवाहर कला केंद्र के महानिदेशक उमराव सालोदिया ने किया। 9 अप्रैल से गोविंद देव जी के मंदिर के पीछे जयनिवास उद्यान में गौ कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस कथा को राष्ट्रीय गौ क्रांति मंच द्वारा गायों की दयनीय स्थिति और गायों का महत्व बताने के लिए किया जा रहा है। कृषि, पर्यावरण, अर्थतंत्र, समाजशास्त्र, विज्ञान शास्त्र, आरोग्य विज्ञान, अध्यात्म शास्त्र, स्नेह, करुणा, वात्सल्य, ममता, सेवा, त्याग भी साक्षात प्रतिभूति एवं गाय के असंख्य विशेषताओं की जानकारी देने वाली ये कथा भारत में करीब 200 बार की जा चुकी है। जयपुर में ये कथा पहली बार होने जा रही है। कथा की शुरुआत कलश यात्रा से होगी। अप्रैल से लेकर के 13 अप्रैल तक गौ कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय हमारे संत जो गाय के मर्मज्ञ हैं, जो 200 कथा कर चुके हैं पूरे राष्ट्र के अंदर, वो जयपुर में प्रथम बार पधार रहे हैं। इसलिए हमारा जयपुर की जनता, राजस्थान की जनता या आसपास के जितने भी लोग रहते हैं, पूरे भारतवर्ष के लोग, वो सब इस कथा को सुने। अगर ये कथा जन जन तक आप लोग इसको पहुँचा देते हैं या लोग सुन लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि गाय की असंख्य विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को जब आपको पता लग जाएगा तो गाय हमारी ऐसे कतरा नहीं खाएगी। गाय को लोग, किसान लोग मानेंगे, क्योंकि ये जैविक खेती का जो पूरे विश्व में एक चल रहा है, प्रचलन चल रहा है, वो जैविक खेती का प्राण भी हमारे गाय से होगा, पर्यावरण की रक्षा भी गाय से होगी, धर्म की रक्षा भी गाय से होगी, आरोग्य की रक्षा भी गाय से होगी, अध्यात्म की रक्षा भी गाय से होगी, और गाय सेवा, त्याग और प्रेम की प्रतिमूर्ति है, जो हमारे देश के अंदर पूरा मतलब ये जो गाय हमारी प्राण है, गाय का मतलब प्राण होता है, त्याग का मतलब प्राण होता है, जो गायों का विस्तार, प्राणों का विस्तार करे उसको गाय कहते हैं। तो इसलिए ये गाय की कथा कोई साधारण कथा नहीं है, इसको ब्रह्मा विष्णु महेश ने सुना था और आदि कथा है ये। का मंत्र है कि गाय विश्व की माता है, इसलिए जो विश्व की माता है वो भारत की माता तो स्वाभाविक ही है। इस अभियान को लेकर के हिमालय के प्रसिद्ध संत गोपाल मणि जी महाराज ने पूरे देश को जागृत किया, और गौ माता पर पहले हमारा कोई साहित्य नहीं था। गीता प्रेस ने गौ विशेषांक निकाला था, लेकिन उससे भी लोगों की तसल्ली नहीं हुई, इसलिए लोगों गुरुदेव ने खूब तपस्या करके हिमालय में गायों को चराते हुए धेनुमानस ग्रंथ की रचना की। इस धेनुमानस ग्रंथ में जहाँ भी गाय माता की वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, भागवत में, गीता में, मैंने जहाँ भी गौ माता का महत्व था, उसको उसके अंदर एकत्र करके उस ग्रंथ का नाम है धेनुमानस ग्रंथ। और उस धेनुमानस ग्रंथ के आधार पर उन्होंने 200 कथाएं गौ माता की पूरे देश में की। सौभाग्य समझू मैं कि अब जयपुर का नंबर आया है, काफ़ी लेट आया, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन यहाँ जन जन गौ माता को तो मानते हैं, लेकिन गौ माता की महिमा को नहीं मानते। गौ माता की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि गौ माता औषधालय भी है, गौ माता सदगुरु भी है, गौ माता सर्वदेवमयी है। एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। देशभर में नाम नवमी का पर्व मनाया धूमधाम से, राजधानी जयपुर में निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। कांग्रेस और भाजपा में वार पलटवार का सिलसिला जारी, दोनों पार्टियां साथ रही एक दूसरे पर निशाना। और नहीं थम रहा शराबबंदी को लेकर विरोध, कहीं सड़क जाम तो कहीं बाजार हुए बंद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। शहर की हर खबर सिटी आई पर।